दो नंबर कॉलोनी स्थित सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा आदिवासी कल्चर पर आधारित बांस बगीचा पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल की भव्यता देखते ही सप्तमी के दिन 9 अक्टूबर को सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा बनाए गए पंडाल का भी कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, मेयर उषा देवी अग्रवाल, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और मनिहारी चेयरपर्सन लाखो यादव द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो नेताजी के मूर्ति को छोड़ के रखे, क्योंकि पंडाल का उद्घाटन के बारे इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष वाशी दत्ता ने बताया कि इस पंडाल को बनाने में एक महीने से अधिक का वक्त लगा है। इंडिया क्लब का जो है उद्घाटन हो गया, पद को दिया गया है, क्या आज 9 तारीख हम लोग उद्घाटन रखे थे और बहुत बढ़िया से उद्घाटन हो गया। इसलिए कटिहार का जितना गेस्ट है, जिसको भी हम लोग बुलाया, सबको सन ऑफ इंडिया क्लब का प्रेसिडेंट की तरफ से धन्यवाद। क्या बनाया गया है? एक बांस बगीचा बना गया जो गांव में होता है, आदिवासी कल्चर। इसीलिए हम लोग मालदा से आदिवासी को भी बुलाए, जो आदिवासी नृत्य का माध्यम से, और सामने में भी आदिवासी का एक मॉडल है जो सबको वेलकम कर रहा है, क्योंकि आदिवासी कल्चर जो है धीरे धीरे कल्चर विलुप्त होने जा रहा है। जिस चीज़ को हम लोग जो है कटिहार टाउन में लाने का कोशिश किए, जो इस कल्चर को जो है बनाई देने, जो इस कल्चर को याद रखने के लिए, इसलिए हम लोग बनाया जाए पूरा बांस का, और पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए किया कि पोल्यूशन नहीं फैले। उद्घाटन अवसर पर सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी नृत्य कला से लोगों का दिल जीत लिया। त्योहारों की उमंग उषा टीवीएस के संग। उषा टीवीएस लेकर आया है पूजा धमाका। टीवीएस की प्रत्येक गाड़ी की बुकिंग या खरीद पर पाइए 2000 रूपए का पेट्रोल वाउचर, 3400 रूपए का वीआईपी ट्रॉली बैग, साथ ही स्क्रैच कूपन स्क्रैच करें और पाए ढेर सारे इनाम। न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट, मुफ्त प्रोसेसिंग चार्ज के साथ मात्र 1 घंटे में लोन की सुविधा। हम है उषा टीवीएस, दुर्गा स्थान चौक, गामी टोला, कटिहार।